झारखंड में फिर एक बार मौसम करवट लेने वाला है। 26, 27 और 29 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ साथ सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन दिनों आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। राजधानी रांची में भी लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि इन दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात भी होने की संभावना है। सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होगी और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में उमस भरी गर्मी के बाद एक बार फिर लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद पिछले एक हफ्ते से तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है और आसमान में बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज में और सबसे कम 18.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रामगढ़ में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वानुमान में विभाग के द्वारा बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगी। इस वजह से वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से वज्रपात के समय घर में रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जेटीएन न्यूज़ ब्यूरो रांची।